पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भाजपा महानगर की ओर से बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का रामगंगा विहार मंडल में पीएसी चौराहे पर धूमधाम के साथ जोरदार स्वागत किया गया। रामगंगा विहार मंडल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रत्याशी के मिश्रा और पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। सरकार के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में हमारा देश सफलता की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हुआ है। एक विकासशील देश विकसित होने की प्रक्रिया से आज गुजर रहा है, उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये भारत विकास यात्रा जो है वो आज नवीन नगर में पहुंची है, जिसको वार्ड इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विपिन प्रजापति जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस कामना और इस प्रार्थना के साथ जो ये विकासशील देश है शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बने, इसी कामना और विश्वास के साथ। अच्छा, शहर में कितनी सफल हो रही है यात्रा, क्या कह रहे हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है शहर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सफल है। जहाँ तक शहर का सब प्रश्न है, शहर में पूर्ण रूप से सफल कार्यक्रम है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।